हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ MCQ 6, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ कंप्रेसर्स। तो यहाँ पे बच्चों, हम लोगों ने सभी चैप्टर्स को अलग अलग से डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव में, उसके बाद मैंने आपको शीट दी है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोग दो दो सेशन में लगभग हम कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ अवर कंप्रेसर्स। तो कंप्रेसर में बच्चों, मैंने यहाँ पे मिक्स लिए हैं। मिक्स मतलब क्वेश्चन जो है हमारे, क्योंकि एक से ही सिंगल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंबाइंड करके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, प्लस आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, प्लस आपका एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, मतलब एक तरह से बोलें तो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर, दोनों तरह के कंप्रेसर को हमने यहाँ पे लिया है। तो उसके मिला के आपके क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। तो फॉर अ मिनिमम वर्क इन कंप्रेसर ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स P1 एंड P3, अगर हमारा कंप्रेसर जो है वो प्रेशर लिमिट पे काम कर रहा है P1 एंड P3, तो उसमें इंटरकूलर लगाया है हमने P2 प्रेशर पे, तो P2, P1 और P3 के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा बच्चों फॉर द मिनिमम वर्क। तो आपको याद होगा मिनिमम वर्क के लिए हमने रिलेशनशिप निकाला था, दैट P2 इज इक्वल टू अंडर रूट P1 P3, तो दैट विल बी द रिलेशनशिप, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो आंसर है हमारा वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों याद दिला दूं मैं दोबारा से कि जो आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है ये तभी सही होगा जब हम इसे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये आंसर जो होगा वो होगा जो किसी भी बुक या किसी भी पेपर की आंसर की के हिसाब से है, ठीक है। हाउ इज द एयर कंप्रेस्ड इन अ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सॉरी डबल एक्टिंग कंप्रेसर। तो डबल एक्टिंग कंप्रेसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो डबल एक्टिंग किसे बोलते हैं बच्चों, तो याद होगा आपको कि जब पिस्टन के दोनों साइड में एयर प्रेजेंट होती है, मतलब एयर यहाँ भी कंप्रेस हो रही है और पिस्टन के इस साइड में भी कंप्रेस हो रही है, तो हम उसे डबल एक्टिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे इन वन सिलेंडर, इन टू सिलेंडर, इन अ सिंगल सिलेंडर ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन, तो यहाँ पे साफ लिखा है दैट इज इन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंगल सिलेंडर में पिस्टन के दोनों साइड में जब एयर हमारी कंप्रेस होगी तो उसे हम डबल एक्टिंग कंप्रेसर बोलेंगे, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, तो ये भी सही है। What will happen to the volumetric efficiency with increasing pressure ratio in case of a single stage compression in compression? तो आप सभी को पता है बच्चों, volumetric efficiency जो है हमारा 1 that is C Rp की पावर, हमारा ये होता है रिलेशनशिप, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, N-1/N जो आप रिलेशनशिप यहाँ पे पुट करते हो पावर का। तो प्रेशर रेशियो आपको पता है बच्चों यहाँ पे हमारे साथ क्या रिलेशन में है, कि अगर मैं प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो साफ साफ यहाँ पे दिखाई देती है कि डिक्रीज होती है। तो प्रेशर को इंक्रीज करने प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करने पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत जगह पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा आप, दैट इज डिक्रीजेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इन अ सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर प्रेशर डेवलप डिपेंड्स ऑन, याद रखिए जो मल्टी स्टेज कंप्रेसर वाला चैप्टर वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने लास्ट में ये सारे केसेस बता रखे हैं बच्चों, बहुत अच्छे से इन सबको आप देख लीजिएगा। इन सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर प्रेशर डेवलप डिपेंड्स ऑन, सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर में जो प्रेशर डेवलप होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आप जानते हैं बच्चों प्रेशर डेवलप हमारा होता है ब्लेड्स में और हमारी केसिंग में, ठीक है ना। तो इंपेलर टिप वेलोसिटी, तो बिल्कुल इंपेलर की टिप वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इनलेट टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, कंप्रेशन इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए हम आंसर करेंगे यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। द वर्क रिक्वायरमेंट फॉर अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज मिनिमम व्हेन द कंप्रेशन प्रोसेस इज, जो वर्क रिक्वायरमेंट है हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में वो मिनिमम हमारा होता है जब कंप्रेसर प्रोसेस जो है हमारी वो कौन सी होगी। तो देखिए कंप्रेसर वर्क जो होगा, जो मतलब हमारा इनपुट वर्क है, वो मिनिमम हमारा कब होगा, जब प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल होगी। तो हम जानते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन अगर हमारा है तो वर्क हमारा जो है वो मिनिमम है। आइसोथर्मल कंप्रेशन दो मोस्ट एफिशिएंट बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली बिकॉज, ठीक है ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है हम जानते हैं ये काफ़ी एफिशिएंट होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है बच्चों। हम सबको पता है कि आइसोथर्मल एक किस तरह की प्रोसेस है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है, और वी नो दैट द क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जो हमारी होती है वो क्या होती है, वो एक स्लो मैनर प्रोसेस होती है, वेरी स्लो प्रोसेस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो प्रैक्टिकली क्यों एप्लीकेबल नहीं है, तो साफ आंसर आप देख सकते हैं, दैट इज़ कंप्रेसर हैज़ टू रन वेरी स्लो स्पीड, इसके लिए हमें कंप्रेसर को बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड में चलाना होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल कितना हो रहा है एज कम्पेयर टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, तो वर्क डन पर साइकिल एज कम्पेयर टू द स्वेप्ट वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा बच्चों, तो आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। देखिए वर्क डन पर साइकिल पहले हुआ क्या,
वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वॉल्यूम, वो भी आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, और ये हो जाता है आपका प्रेशर। प्रेशर कौन सा होगा, प्रेशर तो वेरी कर रहा है पूरे प्रोसेस के दौरान, तो इसको हम बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर, दैट इज मीन प्रेशर। तो अब आप साफ देख सकते हैं वर्क डन पर साइकिल अपॉन ये स्वेप्ट वॉल्यूम को नीचे ले जाओ तो इट विल बिकम मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो साफ आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। रोटरी कंप्रेसर्स आर सुटेबल फॉर, बच्चों आप सभी को पता है रोटरी कंप्रेसर्स का हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो मोस्टली सुटेबल किस चीज़ के लिए होते हैं, तो याद रखिए जैसे हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है हमारे वो हम लोग लेते हैं जनरली हाई किसके लिए, हाई प्रेशर के लिए और लो डिस्चार्ज के लिए। तो रोटरी कंप्रेसर्स हम जनरली प्रेफर करते हैं हाई डिस्चार्ज के लिए, लो प्रेशर के लिए। तो हाई डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, दैट इज लार्ज डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। विच टाइप ऑफ कंप्रेसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट बोलूंगा वो पेपर में रिपीट रहा है क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ कंप्रेसर्स आर यूज इन गैस टर्बाइन, गैस टर्बाइन में जो है किस तरह कंप्रेसर यूज होता है, तो वैसे तो सेंट्रीफ्यूगल भी यूज होता है बट मोस्टली अब प्रेफर किया जाता है आपका एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। वट इज द अनस्टेडी एंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द फ्लूड दैट कॉज पल्सेशन इन द इंजन कंप्रेसर, इंजन कंप्रेसर में जो टू एंड फ्रो मोशन की वजह से पल्सेज होती हैं क्रिएट, मतलब एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो किस वजह से होती है कंप्रेसर में, दैट इज आपको पता है बच्चों फ्लूड जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है हमारा कब, जब एक तरफ हाई प्रेशर क्रिएट होता है, फिर एग्जिट साइड में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और फिर इनलेट साइड में जो है लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो फ्लो जो है वो यहाँ से यहाँ जाते हुए वापस भागना शुरू कर देता है, फिर थोड़ी देर में यहाँ हाई क्रिएट होता है, फिर वो वापस इधर शुरू करता है, तो दिस इज अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द फ्लूड। तो ये हमारा कब होता है, इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं बच्चों सर्जिंग, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड सर्जिंग। ये सभी क्वेश्चन जो कंप्रेसर के डिस्कस हो रहे हैं बच्चों दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेपर्स। मैक्सिमम वर्क इज डन इन कंप्रेसिंग एयर विद व्हेन द कंप्रेशन इज, मैक्सिमम वर्क जो है हमारा कंप्रेसिंग एयर में कहाँ मिलता है, तो जैसे अभी हमने मिनिमम वर्क पूछा था, मिनिमम वर्क तो हमने कहा था आइसोथर्मल, तो मैक्सिमम वर्क पूछ रहा है बच्चों, तो मैक्सिमम वर्क कहाँ जाएगा, फॉर अ एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एनी एडियाबेटिक प्रोसेस द वर्क इज मैक्सिमम, ठीक है, बट यहाँ पे वो अच्छी बात नहीं है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर मतलब इनपुट वर्क, इनपुट वर्क मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना। वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन इन अ क्लोज सिस्टम इंक्रीजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ एन, तो बच्चों वर्क रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्रेशन, कंप्रेशन में जो वर्क रिक्वायर्ड, आप कंप्रेसर वर्क आप सब लोग जानते हैं, फॉर्मूला में पूरा पूरा फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप सब कंप्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि क्लोज सिस्टम में वो जो हमारा वेडियोमेटिक इंडेक्स एन है उसके वैल्यू के इंक्रीज होने पे कंप्रेशन वर्क हमारा क्या होता है, तो याद रखिएगा उसके वैल्यू के इंक्रीज होने पे कंप्रेशन वर्क हमारा इंक्रीज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेसर इज यूज फॉर सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आ चुका है, और मैंने लिया भी था कि सुपर चार्जिंग आईसी इंजन की सुपर चार्जिंग में कौन सा कंप्रेसर यूज होता है, तो मैंने आपको बताया था दैट वी आर यूजिंग अ रूट ब्लोअर, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर या रूट ब्लोअर का यूज करते हैं। एन आइडियल एयर कंप्रेशन साइकिल विद क्लियरेंस ऑन पीवी डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोसेस, तो आइडियल एयर कंप्रेसर साइकिल को हम किन किन प्रोसेस से डिफाइन करते हैं, तो याद रखिए बच्चों टू एडियाबेटिक और टू आइसोबैरिक प्रोसेस, टू एडियाबेटिक एंड टू आइसोबैरिक प्रोसेस। बट याद रखिए यहाँ पे विद क्लियरेंस बोला है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, विद क्लियरेंस, विदाउट क्लियरेंस नहीं। Why intercooling with multi-stage compressor done? अब यहाँ भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है कई बच्चों को कि intercooling क्यों करते हैं, तो आप सभी को पता है intercooling में हम कंप्रेसर के टेम्परेचर को लो करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्यों करते हैं, ताकि कंप्रेसर का वर्क कम लगे, टू रिड्यूस द कंप्रेसर वर्क। अब पहला ऑप्शन दिया है टू मिनिमाइज द वर्क ऑफ कंप्रेशन, तो बिल्कुल सही है बच्चों ये ऑप्शन, लेकिन कई बच्चे फिर भी टिक करते हैं टू कूल द एयर ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो ये याद रखना है ये आंसर नहीं है, हमारा मोटिव हम एयर के टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, लेकिन मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि कंप्रेसर का वर्क कम लगे, वो कंप्रेसर वर्क को रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं ना, तो मेन आंसर वही होना चाहिए। वर्क डन बाय प्राइम मूवर टू रन द कंप्रेसर इज मिनिमम इफ द कंप्रेशन इज, तो जैसे हमने अभी बात की थी आइसोथर्मल, तो वही आंसर रहेगा यहाँ पे भी। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज बेस्ट सुटेड फॉर, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर जो है वो बेस्ट सुटेड है किस कंडीशन के लिए, तो अभी जैसे हमने बात की थी रेसिप्रोकेटिंग की बात करें तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, दैट इज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एट हाई प्रेशर। एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर विल हैव सिमेट्रिकल ब्लेड्स, अब देखो बच्चों हमने एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में कल ही डिस्कस किया था कि अगर ब्लेड्स हमारे सिमेट्रिकल हैं, अब ये उल्टा पूछ रहा है, हमें पूछा गया था कि अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% हो तो बताइए हमारे क्या होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% मतलब है कि एक्सियल फ्लो में ब्लेड जो है वो सिमेट्रिकल है, मतलब हमारे रोटर और स्टेटर दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारी प्रेशर एनर्जी,
ठीक है ना, दोनों में प्रेशराइज जो है वो बराबर हो रहा है, इसमें भी उतना ही इसमें भी उतना है, तभी वो 50% आएगा, ये बताया था आपको, तो यही है आंसर। अब यहाँ उल्टा पूछ रहा है वो कि अगर ब्लेड्स आपके सिमेट्रिकल हो तो बताइए कि डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 50%, ठीक है ना। फॉर अ सेंट्रिफ्यूगल ब्लोअर पावर कंजप्शन इज प्रोपोर्शनल टू, तो सेंट्रिफ्यूगल ब्लोअर में पावर कंजप्शन बच्चों किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो ऑब्वियसली बात है डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज हमारा हमेशा क्या होता है डायमीटर का क्यूब होता है, तो दैट इज क्यूबिक पावर ऑफ आरपीएम, सॉरी आपका स्पीड का क्यूब आएगा, तो दैट इज क्यूबिक पावर ऑफ आरपीएम, क्यूबिक पावर ऑफ आरपीएम। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेसर विद इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, वॉल्यूम, ये सेम चीज है बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो के इंक्रीज होने पे क्या होती है, दैट इज डिक्रीजेस। 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब क्या है बच्चों, तो 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब हो जाता है, दैट इज ये 1 है आपका, तो यहाँ से अगर आप 1 माइनस सी के हिसाब से अगर देखेंगे फॉर्मूले को लगा के, तो मैंने ये भी कंडीशन आपको बता रखी है, तो ये कब होगी, कुड नॉट बी अचीव्ड, हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ, तो याद रखिए बिकॉज ऑफ द कंप्रेसर सुपर हीट द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द वॉल्व्स द लीकेज ऑफ द गैस, तो ऑब्वियसली बात है गैस हमेशा जो है कुछ ना कुछ लीकेज कर जाती है, या कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो भी कांस्टेंट नहीं रह पाता, ड्रॉप करता ही करता है वॉल्व के अलोंग, ठीक है ना, तो सभी रीजन है जिसके वजह से जो है 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कभी आपको नहीं मिल सकती, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एयर कंप्रेसर इज, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एयर कंप्रेसर क्या है, तो दैट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू हमारा है कि द रेशियो ऑफ एयर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द अमाउंट ऑफ पिस्टन डिस्प्लेस, जितना पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है उसके हिसाब से एयर कितनी डिलीवर्ड हुई है, तो इसी का रेशियो को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्लियर ना, बी विल बी द करेक्ट आंसर। सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर इनमें से किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक इनटू प्रेशर, सेंट्रीपिटल एक्शन, या जनरेटिंग प्रेशर डायरेक्टली, तो याद रखिए बच्चों हमारा मेनली क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक इनटू प्रेशर विल बी द करेक्ट आंसर। लॉसेज इन सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर आर ड्यू टू, लॉसेज जो है सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेशन में वो जनरली किसके वजह से होते हैं, इनलेट लॉसेज, इंपेलर के लॉसेज, या डिफ्यूजर लॉसेज, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। अ मशीन इज यूज टू रेज द प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड, ठीक है ना, वो मशीन जो प्रेशर को बढ़ाने का काम आ रही है, तो सबसे सिंपल है कंप्रेसर। अ कंप्रेसर मस्ट बी ड्रिवन बाय सम प्राइम मूवर, तो कंप्रेसर का क्या, किसी प्राइम मूवर मतलब जो मेन मशीन होती है, किसी ऐसी मशीन जिससे हम लोग आगे की और मशीन को चला रहे हैं, उसे प्राइम मूवर कहते हैं, जो चलाने वाला होता है, ड्राइवर जो होता है, ठीक है ना, तो कंप्रेसर का ड्राइवर रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल होता है, कंप्रेसर बिना ड्राइवर के नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ मशीन हमें उसे कंप्रेसर को चलाने के लिए चाहिए। द रेशियो ऑफ द डिस्चार्ज प्रेशर टू इनलेट प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड, तो बच्चों रेशियो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर टू इनलेट प्रेशर के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब प्रेशर रेशियो की बात हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो, हम लोग इसे बोल देते हैं। फ्री एयर इज द एयर एट एटमोस्फेयरिक कंडीशन एट एनी स्पेसिफिक लोकेशन, फ्री एयर क्या है बच्चों, जो एटमोस्फेयरिक कंडीशन में प्रेजेंट है एयर उसको फ्री एयर बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट द आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर इज कॉल्ड, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट द आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर, कंप्रेसर के आउटलेट पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज प्रेशर, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज प्रेशर, क्लियर है। द कंप्रेशर रेशियो फॉर द कंप्रेशन, कंप्रेशर इज ऑलवेज, द कंप्रेशर रेशियो जो होता है कंप्रेसर में वो हमेशा क्या होता है, इक्वल टू यूनिटी होता है, लेस देन यूनिटी होता है, या ग्रेटर देन यूनिटी होता है, तो याद रखिए बच्चों इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से हमेशा बड़ा होता है जो आपका कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है ना, तो कंप्रेशन रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, क्योंकि जो हमारा हायर वॉल्यूम होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा जहाँ से कंप्रेस आप कर रहे हैं, तो वी वन अपॉन वी टू, जैसे हम 1 से 2 कंप्रेस कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 1 से 2, तो वी वन हमेशा पहले रहेगा, वी टू इसके बाद रहेगा, तो वी वन अपॉन वी टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय कंप्रेसर इज कॉल्ड, जितना एयर वॉल्यूम डिलीवर्ड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो एयर जितनी डिलीवर की जाती है कंप्रेसर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अ कंप्रेसर, तो कंप्रेसर कैपेसिटी बोलते हैं, और जितनी एयर अवेलेबल होती है एटमोसफेयर में उसे फ्री एयर डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग इट्स सक्शन स्ट्रोक इज कॉल्ड, अब जैसे यहाँ पे पूछ रहा है वो कि जितना वॉल्यूम आपका एयर डिलीवर्ड करता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान, तो वो कौन सा होगा जो स्वेप्ट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्रेसर इज एक्सप्रेस इन, कंप्रेसर की कैपेसिटी जो है वो किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है, तो याद रखिए दैट इज मीटर क्यूब पर मिनट में, मतलब एक तरह से मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट समझिए ना, वॉल्यूम फ्लो रेट, तो मीटर क्यूब पर मिनट में टाइम के साथ, वॉल्यूम पर सेकेंड। इन एयर कंप्रेसर फ्री एयर डिलीवरी मीन्स,
एयर कंप्रेसर में फ्री एयर डिलीवरी का मतलब क्या है। तो अभी जैसे हमने बात करी बच्चों, सेम वही चीज़ है कि फ्री एयर डिलीवरी का मतलब ये है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर व्हेन रिड्यूस टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जब हम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में ले आएँ तो कितना वॉल्यूम एयर जो डिलीवर्ड कर रहा है उसको हम एक्चुअल वॉल्यूम बोलेंगे एयर का, तो उसी को फ्री एयर डिलीवरी बोलते हैं। स्टैंडर्ड एयर स्टैंडर्ड एयर इज द एयर एट स्टैंडर्ड एयर बच्चों किस कंडीशन में बोली जाती है, तो याद रखिएगा 1 bar प्रेशर और 20 degrees Celsius जो है हमारा टेम्परेचर लिया जाता है उसको हम लोग, और 36% ह्यूमिडिटी, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड एयर बोलते हैं। द कंप्रेसर की जो कैपेसिटी है विल बी इफ़ द टेम्परेचर ऑफ इंटेक एयर इज लोएस्ट हाइस्ट, तो याद रखिए कंप्रेसर कैपेसिटी जो है वो तब ली जाती है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ इंटेक एयर अगर लोएस्ट है हमारा, तो कंप्रेसर कैपेसिटी क्या होगी, अगर इंटेक टेम्परेचर हमारा लोएस्ट रहेगा तो कंप्रेसर कैपेसिटी आपकी हाइस्ट रहेगी, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए ना, अगर इंटेक टेम्परेचर लो है तो मतलब मॉलिक्यूल गैस के ठंडे होंगे तो ज़्यादा भारी होंगे, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगे, तो ऐसे में ज़्यादा कैपेसिटी और वॉल्यूम एयर अंदर आ सकता है, तो बिल्कुल हम कहेंगे हाइस्ट। इन अ सिंगल स्टेज एक्टिंग सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर द सक्शन द कंप्रेशन एंड द डिलीवरी ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ द स्ट्रोक, कितने स्ट्रोक में कंप्लीट होता है बच्चों, तो सिंगल एक्टिंग में हमारा 2 stroke में कंप्लीट होता है। द प्रेशर ऑफ एयर एट बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक इज डैश एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो बच्चों द प्रेशर ऑफ एयर एट बिगिनिंग में कंप्रेशन के स्ट्रोक पे प्रेशर क्या होता है, तो वो प्रेशर हमारा लेस देन एटमोस्फेरिक होता है मोर देन, तो ऑब्वियस बात है सक्शन कर रहे हैं हम लोग तो लेस देन एटमोस्फेरिक ही होगा। द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है एटमोस्फेरिक से, लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है, तो याद रखिए इट्स ऑलवेज हमारा मोर देन टेम्परेचर जो है वो उससे हाई रहता है, इक्वल टू लेस देन इट इज मोर देन एटमोस्फेरिक, ठीक है ना, बिगिनिंग के टाइम पे। इन अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस द कंप्रेशन ऑफ एयर मे बी, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में बिना क्लियरेंस के द कंप्रेशन ऑफ एयर मे बी, वो किस तरह का माना जाता है, तो ऑब्वियसली बात है हमने कहा है कि अगर हम कंप्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो वो आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और आपकी पॉलीट्रॉपिक कोई भी हो सकती है, तो कोई भी हम प्रोसेस लें यहाँ पे एनी वन ऑफ दीज। द एयर पावर ऑफ द कंप्रेसर इज ऑल्सो नोन एज, जो कंप्रेसर की एयर पावर है उसको हम इंडिकेटर पावर, ब्रेक पावर या फ्रिक्शनल पावर क्या कहते हैं, तो याद रखिए एयर पावर, जो एयर पावर है कंप्रेसर की एक तरह से वो पावर है जो हम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर पावर, तो उसको हम इंडिकेटर पावर बोल देते हैं। इन अ सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस द वर्क डन ऑन द एयर ड्यूरिंग आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन इज डैश द हीट required to raise the temperature of air from T1 to T2 at a constant pressure. तो जो सिंगल स्टेज में हमारा जो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, तो जितना हीट चाहिए टेम्परेचर को T1 से T2 राइज करने के लिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्या उतना ही हमें वर्क चाहिए एयर कंप्रेसर विदाउट करें वर्क डन इन द एयर ड्यूरिंग, तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखो आइसोथर्मल की बात करें तो यू नो दैट डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू होता है, तो वर्क डन जितना चाहिए उतना ही हीट रिक्वायर्ड हमारा होगा, तो दैट इज इक्वल टू विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंगल आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन, ड्यूरिंग आइसेंट्रॉपिक बोल रहा है ना, लेकिन ड्यूरिंग आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन, ओके एक सेकेंड इसको थोड़ा दोबारा से पढ़ें। इन अ सिंगल स्टेज एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विदाउट करें द वर्क डन ऑन द एयर ड्यूरिंग आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन इज डैश हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एयर फ्रॉम T1 to T2। तो आइसेंट्रॉपिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी नो दैट डेल क्यू इक्वल्स टू, अगर फर्स्ट लॉ लगाता हूँ मैं, डेल यू डेल डब्ल्यू है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जितना वर्क हम कर रहे हैं उतनी ही आपकी जो है वो रिक्वायर्ड है, तो ये इक्वल टू एग्जैक्ट तो नहीं होती है, लगभग इक्वल टू होती है। चलिए इस क्वेश्चन का मैं करेक्ट करके देखूंगा एक बार आंसर, तभी आपको बताऊंगा, क्योंकि लगभग इक्वल होती है, एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन ये टेम्परेचर राइज कर रहा है और ये कंप्रेस वर्क कर रहा है, तो जो हम हीट दे रहे हैं उसमें से हमारा जो हीट दे रहे हैं टेम्परेचर राइज करने के लिए वही वर्क करने के बराबर, तो बराबर लेस देन भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन भी नहीं आएगा, लगभग। चलिए खैर, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिव्यू करके आपके आंसर शीट में इसका सही आंसर दे दूंगा। अ लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर रिजल्ट्स इन,
अ लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम इन रेसिपिटिंग एयर कंप्रेसर रिजल्ट्स इन, तो लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम अगर हमारा है रेसिपिटिंग कंप्रेसर में तो उसके वजह से क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है जितना इस ग्राफ से ग्राफ बच्चों दूर जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है उतना कैपेसिटी कम होती जाएगी तो वॉल्यूम फ्लो रेट आपका उतना जो है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन अ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द कंप्रेशन वर्क पर केजी ऑफ एयर। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में हमारा इन अ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द कंप्रेशन वर्क पर केजी ऑफ एयर, कंप्रेशन वर्क पर केजी ऑफ एयर में हमारा क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में, तो याद रखिए यहाँ पे पूछ रहा है इज इंक्रीजेज एज द क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम के इंक्रीज होने पे इंक्रीज करता है कंप्रेशन वर्क हमारा, क्लियरेंस वॉल्यूम के डिक्रीज होने पे डिक्रीज करता है, क्लियरेंस वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट रहता है या इंक्रीज एज द क्लियरेंस वॉल्यूम, तो आप फॉर्मूला भी देख सकते हो बच्चों इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है ना। एयर फ्री एयर डिलीवरी में फ़र्क पड़ेगा लेकिन कंप्रेसर वर्क में नहीं, ठीक है। व्हेन एयर इज़ टू बी कंप्रेस्ड एट अ हाई प्रेशर देन इट इज़ एडवांटेजियस टू यूज़ दैट इज़ मल्टी स्टेज कंप्रेशन विद इंटरकूलिंग, बिल्कुल। जब एयर हमें कंप्रेस करना हो किसी हाई प्रेशर में तो एक तो याद रखिए हमेशा हाई प्रेशर के लिए सबसे बेस्ट होता है मल्टी स्टेज करना, क्योंकि एक एक करके आप करेंगे, लेकिन मल्टी स्टेज अकेले करने में कोई फ़ायदा नहीं है, विद इंटरकूलिंग ही आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। अ 3 m³/min कंप्रेशन का मतलब क्या है, 3 m³/min कंप्रेशन मीन्स होता है बच्चों कि इतना वॉल्यूम फ्लो रेट से वो डिलीवर कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है डिलीवर्स 3 m³/min, मतलब इतनी उसको 3 m³/min ऑफ कंप्रेस्ड एयर है डिलीवरी प्रेशर, 3 m³/min ऑफ कंप्रेस्ड एयर कंप्रेसर, 3 m³/min ऑफ फ्री एयर कंप्रेसर, 3 m³/min ऑफ स्टैंडर्ड एयर। तो यहाँ पे याद रखिए 3 m³/min ऑफ कंप्रेशन अगर बोल रहा है इसका मतलब है कि ये उसकी कैपेसिटी है, इट कंप्रेसेस इतना एयर कंप्रेस करके फ्री एयर को इतना कंप्रेस कर रहा है, मतलब फ्री एयर जो है उसमें से 3 m³/min में वो कंप्रेस कर रहा है, तो बी रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 50 क्वेश्चन है हमारा, मल्टी स्टेज कंप्रेशन ऑफ एयर एज कम्पेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेशन इंप्रूव्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फॉर अ गिवन रेशियो, रिड्यूस वर्क डन पर केजी ऑफ एयर, गिव्स मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिए द मल्टी स्टेज कंप्रेशन ऑफ एयर एज कम्पेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेशन, मल्टी स्टेज कंप्रेशन के कंपेयर में सिंगल स्टेज कंप्रेशन में आपका क्या है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज करती है फॉर गिवन रेशियो, इंप्रूव करती है, रिड्यूस वर्क डन या गिव्स मोर यूनिफॉर्म टॉर्क। तो बच्चों लगभग सभी जो है यहाँ पे एक तो है नहीं, क्योंकि ये भी है और ये भी है, दोनों ही ऑप्शन, तो मल्टी स्टेजिंग करके हमें ऑल ऑफ दीज ही को आप करेक्ट आंसर करेंगे। तो ये किए हैं बच्चों मैंने 50 क्वेश्चन, लेकिन अभी अभी 60